subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिस्टर ट्रेकर में। आज आपके लिए जो बात करने वाला हूँ मैं, प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर, राजस्थान प्राथमिक उच्च शिक्षा विभाग ने जो विज्ञापन खोला हुआ है, बम्पर भर्ती निकाली गई है, यह है इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। आवेदन शुरू होने का जो दिनांक होगा 10/1/2022 होगा, अंतिम तिथि 9/2/2022 होगी। भुगतान परीक्षा शुल्क अंतिम तिथि जो होगी 9/2/2022 होगी। परीक्षा तिथि जल्द ही घोषित किया जाएगा। प्रवेश पत्र उपलब्ध की जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। तो दोस्तों, आज यह वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों पर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में कुछ मेन बात बता देता हूँ। राजस्थान शिक्षा जो रिक्ति 2022 विवरण, कुल 32,000 पोस्ट है। शिक्षा प्राथमिक जो रहेगी, कुल पोस्ट 15,500 रहेगी। 50% अंकों के साथ 10वीं 12वीं इंटरमीडिएट और प्रारंभिक शिक्षा विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा जैसे कि BLED, DLED, DED यह होना अनिवार्य है। NCTI मानदंड 2002 के अनुसार 45% अंकों के साथ 10वीं 12वीं प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या इंटरमीडिएट में 50% अंकों के साथ और 4 वर्षीय BLED, DLED या अधिक विस्तार से अधिक सूचना में दिखाया गया है, तो उसे देखना अनिवार्य है। शिक्षक उच्च प्रारंभिक स्तर जो सेकंड रहेगा, 16,500 पोस्ट रहेगी 50% अंकों के साथ, जो उन्होंने स्नातक डिग्री मांगा है। प्रारंभिक शिक्षा विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता स्ट्रीम में बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और BED DLED परीक्षा उत्तीर्ण या 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री। NCTI मानदंड जो 2002 के अनुसार BED DLED परीक्षा में उत्तीर्ण या 10वीं 12वीं में इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ और 4 वर्षीय डिप्लोमा BLED DLED का जो होगा, तो यह होना अनिवार्य है। राजस्थान TGPT शिक्षक जो होंगे, क्षेत्रवार रिक्ति विवरण जो है, राजस्थान शिक्षा प्राथमिक स्तर 1 जो TGP है, राजस्थान टीचर प्राइमरी लेवल TGT, TIGT जो TSP टाइप जो जनरल रहेंगे, टोटल पोस्ट 3500 है। नॉन TSP जो होंगे, स्पेशल में 60 है, जनरल में 11,500 पोस्ट है, स्पेशल में 440 है। राजस्थान टीचर अपर प्राइमरी लेवल सेकंड PGT जो होंगे, TSP जनरल 2580 इनकी पोस्ट होगी, स्पेशल में 55। नॉन TSP में जनरल की जो होगी 13,420, स्पेशल में 445। राजस्थान अपर प्राइमरी सब्जेक्ट वाइज जो होंगे वैकेंसी, इंग्लिश में जनरल की 4,330 वैकेंसी है, स्पेशल में 95 और टोटल है 4,425। हिंदी जो होगा 1930 एक और स्पेशल में 102, टोटल पोस्ट है 2032। सब्जेक्ट का नाम जो होगा संस्कृत, इसमें पोस्ट है जनरल की 976, स्पेशल में 33 एंड 1009 इसकी टोटल पोस्ट है। उर्दू में 309 पोस्ट है, 12 पोस्ट स्पेशल में है, 321 पोस्ट टोटल है। पंजाबी भाषा में जो पंजाबी सब्जेक्ट होगा, 175 जनरल की पोस्ट है, 6 स्पेशल पोस्ट है, 181 टोटल पोस्ट है। सिंधी में 10 जनरल की पोस्ट है, स्पेशल में 1 पोस्ट है और टोटल पोस्ट 11 है। सोशल स्टडीज जो होगी 2515, इसमें जनरल की पोस्ट है, 101 स्पेशल पोस्ट है, 2616 पूरी टोटल पोस्ट है। साइंस और मैथ की जो है, विज्ञान गणित, 3175 जनरल की पोस्ट है, 95 पोस्ट स्पेशल है और टोटल पोस्ट 3270 है। यहाँ आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा TSP, नॉन TSP। नॉन TSP की बात कर लेते हैं हम। कार्यालय निर्देशक जो प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर में जो भर्ती खुली हुई है शिक्षा विभाग की,
राजस्थान प्राथमिक और शिक्षा विभाग विद्यालय जो अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 गैर अनुसूचित क्षेत्र में हेतु अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य विशेष शिक्षा विज्ञापन संख्या 1/2021-22 में जो खोला गया है दिनांक 31/12/2021 को जारी कर दिया गया है। राजस्थान पंचायती राज निगम 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1-5 पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यधारी आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन एसटीबीएस एरिया के पदों हेतु अनुसूचित क्षेत्र सहित संपूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान राज्य के बाहर निवासी अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। गैर अनुसूचित अंतर्गत अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा एवं विशेष शिक्षा के विभिन्न पदों का विवरण अनुसार है। तो दोस्तों, राजस्थान से बाहर के जो राज्य के निवासी हैं वह भी यह फॉर्म भर सकते हैं। पद नाम जो होगा अध्यापक लेवल प्रथम नाम जो है सामान्य शिक्षा 11,500 पोस्ट रहेगी। पदों की संख्या विशेष शिक्षा में एमआर की 233, वी फिफ्थ की 64, एचआई की 143, योग जो होगी 11,940। गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी जो होंगे अंतर्गत सामान्य विशेष शिक्षा के पृथक पृथक विज्ञापित पदों का विषयवार जिलेवार वर्गवार पदों का विस्तृत विवरण संलग्न है। अभ्यर्थी राजस्थान की वेबसाइट से जाके 10/1/2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि जो होगी 10/1/2022 से 9/2/2022 के रात्रि 12 बजे तक। उक्त स्थिति के पश्चात ऑनलाइन आवेदन का लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा। अभ्यर्थी हेतु समान निर्देश जो होंगे राज्य सरकार के आदेश पत्रक 7/13/85 आयोग 2019 जयपुर दिनांक 16/12/2020 के अनुसार राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 लेवल प्रथम के संबंधित जो पदों हेतु विज्ञापित वर्गवार पदों की वरीयता सूची मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के लेवल में नियमानुसार न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत अर्जित करना अनिवार्य होगा। अनारक्षित सामान्य वर्ग जो होंगे न्यूनतम उत्तीर्ण पूर्वक 60 अंक होगा। वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 55 होंगे। समस्त श्रेणी के विधवा एवं परिवक्ता महिला जो भूतपूर्व सैनिक 50 होंगे। निःशक्त जन श्रेणी जो होगी 40। आदिम जाति सहरिया वर्ग के केवल 12 जिले हेतु 36 होंगे। गैर अनुसूचित क्षेत्र के रिक्तियों के लिए अनुसूचित क्षेत्र सहित संपूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर के निवासी भी पात्र होंगे। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। जो आवेदन शुल्क लगेगा, आवेदन शुल्क की जो मांग की गई है सामान्य वर्ग जो त्रिमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग राजस्थान राज्य से विभिन्न अन्य राज्यों के समस्त अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये रखी गई है। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग जाति जो पिछड़ा वर्ग होंगे उनके लिए 70 रुपये रखी गई है। राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सहारिया आदिम जाति वर्ग के आवेदक जो होंगे 60 रुपये के लिए होंगे। और राजस्थान राज्य के सभी वर्ग के निःशक्त जन जिनकी पारिवारिक आय रुपये 2.50 लाख से कम है उन आवेदकों के लिए 60 रुपये होंगे। अभ्यर्थी को चयन होने पर निम्नांकित प्रारूप में घोषणा एवं शपथ पत्र आवेदन पत्र साथ संलग्न करना होगा। आवेदक द्वारा घोषणा एवं शपथ पत्र इस तरीके से होगा, मैं खालिस्तान पुत्र पुत्री पत्नी श्री नाम घोषणा करता करती हूँ, यह आपको भरना होगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्नों की जो सूची होगी सीधी भर्ती में अभ्यर्थियों से अपने मूल ऑनलाइन आवेदन पत्र घोषणा पत्र तथा शपथ पत्र संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां जमा करवाई जाएगी। इस संबंध में सूचना समाचार
पत्रों के माध्यम से यथा समय प्रकाशित करवा दी जाएगी। दस्तावेज प्रमाण पत्र जो लागू होंगे आपके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रति, घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र सेकेंडरी समक्ष जो 10वीं-12वीं की मार्कशीट होगी, सीनियर सेकेंडरी जो होगा समक्ष इसके लगेगा 12वीं-10वीं जो अंतकालीन की प्रमाणित प्रति जो होगी, स्नातक समक्ष की अंतकालीन की प्रमाणित प्रति, स्नातकोत्तर की प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा की, विशेष शिक्षा के पद भारतीय पुनर्वास परिषद से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन जिसको कहा जाता है, मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के निम्नानुसार समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग SC ST OBC सहारिया आदिम जाति सभी के लिए लागू है, विधवा की स्थिति के स्वयं शपथ पत्र, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र यह देना होगा, तलाकशुदा होने पर न्यायालय निर्णय डिग्री की प्रमाणित प्रति जो लगेगी, संतान संबंधित घोषणा पत्र जो लगेगा, विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंध शपथ पत्र, भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवा निवृत्ति जो समक्ष पद अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी जो आपके पास होगा, उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर नियमानुसार समक्ष स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र, जिन जिन के पास यह सब है यह लगा सकते हैं। अभ्यर्थियों का दिशा निर्देश हेतु हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया गया हुआ है, यहाँ पे आप कॉल करके लगा सकते हैं। विज्ञापन संख्या जो है 1/2021-2022 गैर अनुसूचित जाति, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है जिलावार जो अजमेर में है, सामान्य शिक्षा 450 MR VIHI, सामान्य शिक्षा में 450 MR 11 VIHI के 4 HI के 5, अलवार में 640 14-03-08 665 टोटल पोस्ट है, वारन में 215 है, भारतपुर में 485 है, MR में 10 है, VI में 3 है, HI में 10 है, और भीलवाड़ा में 560 है, 13 है, 03 है, 07 है, बीकानेर में 340 पोस्ट है, इधर 6 है, 3 है, 6 है, 355 है, बूंदी में 340 है, चित्तौड़गढ़ में 360 है, 9 है, 2 है, 4 है, 375 है। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट दी गई है, यहाँ पे बम्पर भर्ती खोली गई है, यहाँ इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वीडियो के, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स यहाँ पे ले सकते हैं, पूरा इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। मैं पूरा आपको बताऊंगा ज़रूर, लेकिन वीडियो पूरा बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें।